नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं हमारा आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल। आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बता दें कि ये खबर जो निकल कर आ रहा है बिहार राज्य से एक खबर निकल कर आ रहा है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर है। हम बता दें कि ये पोषाहार वितरण में एक बहुत बड़ी जो है कि अपडेट निकल कर आई है, उसको लेकर हम आए हैं। आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, तो आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लेटर बिहार सरकार समाकेशित बाल विकास ICDS निदेशालय बिहार समाज कल्याण की तरफ से लेटर जारी हुआ है। इसका पत्रांक संख्या है 5292, दिनांक है 20/10/2021। इसके प्रेषक है अनुसरण पदाधिकारी ICDS निदेशालय। सेवा में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी हुआ है। इसका विषय बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर माह अक्टूबर 2021 का टेक होम राशन या पोषाहार की प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली के माध्यम से करने के संबंध में। हमें आपको बता दें कि अक्टूबर माह का जो पोषाहार और राशन है इसकी प्राप्ति टोकन माध्यम से करने के संबंध में जो है लेटर जारी हुआ है। तो आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। जैसा कि महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार टोकन प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाए। इनका कहना है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार जो है टोकन प्रणाली के माध्यम से ही वितरित किया जाए। आगे क्या बताया जा रहा है कि निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर माह अक्टूबर 2021 का टोकन राशन पोषाहार की प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली के माध्यम से 20/10/2021 से 31/10/2021 तक पोषाहार वितरण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक जो है कि वितरण किया जाएगा। इसको टोकन प्रणाली के माध्यम से जो है कि वितरण किया जाएगा। अतः सभी महिला पर्यवेक्षिका एवं सेविकाओं को निर्देशित किया जा रहा है कि टोकन प्रणाली सत्यापन के पश्चात दिनांक 20/10/2021 से 31/10/2021 तक पोषाहार वितरण करना सुनिश्चित करें। तो 31 तक जो है कि पोषाहार वितरण किया जाएगा टोकन प्रणाली के माध्यम से। इसको लेकर ये जो है कि लेटर जारी हुआ है विभाग की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य बहनों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि अन्य बहनों तक भी ये खबर पहुँच सके। और हमारे चैनल को आप जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के खबरों से आप जो है कि अपडेट रहें। जय हिंद, जय भारत।